वेलकम बैक। आज के वीडियो में हम बात करेंगे स्टैंडर्ड चार्टर्ड के ईएमटी क्रेडिट कार्ड के बारे में। बेनिफिट्स फीचर्स इस वीडियो में कवर करेंगे, क्या ज्वाइनिंग फीस है, क्या एनुअल फीस है, कैसा ये क्रेडिट कार्ड है। इस क्रेडिट कार्ड पर आपको एयरपोर्ट लाउंज एक्सेस मिलता है, 10% 20% डिस्काउंट भी मिलता है, और भी बहुत कुछ इस क्रेडिट कार्ड पर मिलता है। तो फुल डिटेल्स इस वीडियो में कवर करेंगे, तो बने रहिए इस वीडियो मेरे साथ अंत तक। मैं हूँ धीरज, आप देख रहे हैं टेक धीरज। ये जो क्रेडिट कार्ड है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक का को ब्रांडेड क्रेडिट कार्ड है, जिसे इजी माई ट्रिप और स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक ने दोनों ने मिलकर ये क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया है। ट्रैवल के लिए बेस्ट क्रेडिट कार्ड है। अगर बेनिफिट की अगर बात की जाए इस क्रेडिट कार्ड पर, तो इजी माई ट्रिप की वेबसाइट या पर ऐप पर जाकर आप होटल की बुकिंग या एयरलाइन की बुकिंग करते हैं तो उस पर 10x रिवार्ड पॉइंट आपको मिलेंगे 100 रुपये स्पेंड करने पर। इसके अलावा किसी अदर पर अगर आप 100 रुपये स्पेंड करेंगे तो 2x रिवार्ड पॉइंट इस क्रेडिट कार्ड से आपको मिलेंगे। इस क्रेडिट कार्ड से अगर आप होटल बुकिंग करते हैं तो आपको 20% डिस्काउंट मिलेगा, और वो डिस्काउंट एक साल के भीतर 5,000 रुपये तक का होगा डोमेस्टिक पर, और इंटरनेशनल पर 10,000 रुपये तक का आप डिस्काउंट ले सकते हैं एक साल के भीतर। और 10% डिस्काउंट आपको देखने को मिलेगा फ्लाइट की बुकिंग पर। अगर आप इस कार्ड से फ्लाइट बुकिंग करते हैं डोमेस्टिक पर करेंगे तो आपको 1,000 रुपये तक का एक साल के भीतर डिस्काउंट मिलेगा, और अगर आप इंटरनेशनल फ्लाइट बुक करते हैं इस क्रेडिट कार्ड से तो आपको 5,000 रुपये तक का डिस्काउंट एक साल के भीतर मिल जाएगा। और अगर आप इस क्रेडिट कार्ड से बस की बुकिंग करते हैं 500 रुपये से ऊपर की टिकट पर आपको 125 रुपये का आपको डिस्काउंट इस क्रेडिट कार्ड पर देखने को मिलेगा। एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस की इस कार्ड पर बात करें तो डोमेस्टिक एयरपोर्ट लॉन्च एक्सेस मिलेगा एक क्वार्टर के भीतर एक, और टोटल मिलाकर 4 डोमेस्टिक लॉन्च एक्सेस मिलेंगे। और इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस की अगर इस कार्ड पर बात करें तो आपको टोटल मिलाकर 8 इंटरनेशनल लॉन्च एक्सेस मिलेंगे पर क्वार्टर, 2 लॉन्च एक्सेस मिलेंगे इंटरनेशनल प्रायोरिटी पास की मेंबरशिप के साथ। ज्वाइनिंग फीस और एनुअल फीस की इस कार्ड पर बात की जाए तो दोनों ही सेम है, 350 रुपये प्लस GST। और आप एनुअल फीस वे ऑफ कराना चाहते हैं तो 50,000 एक साल के भीतर इस कार्ड से आपको स्पेंड करने होंगे, तब आपको जो एनुअल फीस है वो वे ऑफ हो जाएगी। एलिजिबल क्राइटेरिया की अगर बात की जाए तो 18 साल से 65 साल का व्यक्ति इस कार्ड के लिए अप्लाई कर सकता है। इंडिया का निवासी होना चाहिए, और आपकी पे स्लिप या फिर अगर आप बिजनेस के थ्रू इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करना चाह रहे हैं तो आपकी ITR इस क्रेडिट कार्ड को अप्लाई करने के लिए होनी चाहिए। मेरे ओपिनियन की अगर इस कार्ड पर बात करूँ, अगर आपका ट्रैवल पर ज़्यादा स्पेंडिंग है तो इस क्रेडिट कार्ड के लिए जा सकते हैं। नॉर्मल सी फीस है और एंट्री लेवल कार्ड है, अच्छा कार्ड है, आप इस क्रेडिट कार्ड के लिए जा सकते हैं। अगर आप ट्रैवल पर ज़्यादा स्पेंड करते हैं तो इस कार्ड के लिए आप जा सकते हैं। मेरी दी हुई इन्फॉर्मेशन आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर देना। अगर मेहनत पसंद आई है तो मेरे यूट्यूब चैनल को लाइक सब्सक्राइब कमेंट करना ना भूलें। अब मिलते हैं नई वीडियो में नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।